ನಿನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗ ಕಿರಣ ದುಕನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತರಲಕ ಏನ್ರ ಅದ ಬಿದೆಲೆ ಉಚ್ಚನೆ ಕಡದ ಸುಂದರನಗರ ಪಿಛಲೆ 15 ದಿನ ಪೈಲೆ ಮೋಮಿನ್ಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋ ದರ್ಗಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋ ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ಹೋ ಗಂಜ್ ಏರಿಯಾ ಹೋ ಯಹಾಂ ಪರ 70 ಸೆ 80 ಜನೋಗೋ ಕುತ್ತಾ ಕಾಟಾ ಥಾ 15-20 ದಿನ ಸೆ ಹಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ कॉरपोरेशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये बोल लेते आ रहे हैं कि कंटिन्यूस बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को अरबी जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, घर वाले बच्चों को कुछ मंगाने के लिए किराने दुकान नहीं भेज सक रहे हैं, हॉस्पिटल की हालत तो ऐसी है। एडमिट होने के बाद ये कहा जा रहा है एक एंटी रैबिश इंजेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद जो और एक इंजेक्शन देना है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि हम ऑर्डर किए हैं हुबली से इंजेक्शन आना है। ऐसे मसले पर हम अगर इमरजेंसी बच्चों को लेके आए तो बच्चों को कुछ खुदा ना खास्ता हो गया तो इसके ज़िम्मेदार कौन है। हम कॉरपोरेशन कमिश्नर से ये सवाल करते हैं कि आप प्लास्टिक रेट को कंटिन्यू आप जा रहे हैं, घरों के घर के टैक्स के लिए आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर को आप घर को टैक्स वसूल करने के लिए भेज रहे हैं, पानी के बिल के वास्ते आप भेज रहे हैं, क्यों आपका ये काम नहीं होता है क्या? क्या आप बच्चों को हम क्या बच्चों को घर के बाहर छोड़े ना छोड़े? बड़े बड़े जो 50 साल की औरतें हैं उनको कुत्ता काटा है, दो मासूम बच्चे हैं जिन्हें कुत्ता पूरा हाथ फाड़ के खून ब्लडिंग इतनी ज़्यादा हो गई बच्चों को, उसके बाद भी यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ नींद से नहीं जागता, MLA गुलबर्गा उन्होंने नींद से नहीं जागते, MP हो उन्होंने नींद से नहीं जागते। कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि इमीडिएट इस पर एक्शन ले, वरना आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाएगा, कॉरपोरेशन का घेराव किया जाएगा और कुत्तों को अब ऐसी हालत है, कुत्तों को आवाम पकड़कर कॉरपोरेशन कमिश्नर के चैम्बर में छोड़ना चाह रही है, वैसी हालत होने ना दीजिए, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। और बच्चे को ये देखिए, बच्चे का सवाल है, बच्चे की आँख के ऊपर काटा है, सर के ऊपर 5 टाँके है, बच्चे की नाक पर कुत्ता काटा है। मैं कमिश्नर से गुजारिश करता हूँ कि बच्चे को 2 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, अभी 6 साल का बच्चा है, अभी आगे उसकी देखिए ट्रीटमेंट होना चाहिए। आँख का सबसे बारीकी मसला है, नाक का सबसे बारीकी मसला है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इमीडिएट कॉरपोरेशन कमिश्नर विजिट कर बच्चे की हालत देखना चाहिए।